एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब आज क्या है टुडे ट्यूजडे। सो आज है ट्यूजडे और मैं इसको बताती रहती हूँ, मेरे जो क्लॉक है ना उसमें मंडे संडे मंडे ट्यूजडे ऐसा लिखा हुआ है। सो इससे दो फायदे हो जाते हैं, इसको स्पेलिंग भी आ जाती है और उसको पता भी लग जाता है टुडे मंडे संडे ऐसे। सो मैं इसको डेली बता देती हूँ मॉर्निंग में। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने और शाइन को नहला दिया है, और शाइन को क्योंकि सुबह सुबह पॉटी आ गई थी आज, सो मैं साथ के साथ नहला भी देती हूँ। ब्रश कराया, पॉटी आ गई उसको तो पॉटी करा दी, फिर नहला दिया। अब मैं जाती हूँ इसका ब्रेकफास्ट देने, क्योंकि मैं उठ सो के सीधे ना इसका ब्रेकफास्ट बना दिया था, क्योंकि कभी कभी ना बच्चों को भूख लगाती है फिर तो वो गुस्सा करने लग जाते हैं। सो मैंने इसका ब्रेकफास्ट बना दिया। शाइन क्या बनाया मम्मा ने? स्वीट कॉर्न, वेरी हेल्दी। और स्वीट कॉर्न में क्या बनाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, स्वीट कॉर्न को थोड़ा सा स्टीम कर देते हैं बस, और ज़्यादा उसमें कुछ मिक्स करो ना तो वो टेस्ट अजीब सा जाता है, वो शाइन खाता नहीं है। सो मैं बस थोड़ा सा स्टीम कर देती हूँ। शाइन ने अभी खाया था आमंड एंड मिल्क ड्रिंक किया था, है ना। देन स्वीट कॉर्न ना। सो मैं जाती हूँ इसका कौन खिला देता, उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं खा पाऊंगी, कल मेरा ब्रत था। शायद ये पैंट तो पहनो पहले, बिना पैंट के भाग रहा है पैंट बेटा। सो आज बारिश नहीं हुई यहाँ पे, कम हियर पैंट कैसे पहनाएंगी मम्मा। और मेरे बैग को आप इग्नोर कर देना, क्योंकि बैग ना बेड में रखने हैं और बेड ओपन नहीं हुआ अभी तक, अभी तक किया नहीं इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान है, कुछ फेंकना है कुछ रखना है और इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है फालतू के कामों से। कभी एसी ख़राब हो रहा है, कभी स्टैंड, कभी एसी ख़राब हो रहा है, कभी फ्रिज ख़राब हो रहा है, तो इन सब कामों से मुझे टाइम मिल नहीं रहा है कि मैं अपना बेड खोल के और सब सामान रख पाऊँ। तो अब जब मिलेगा तब तक कर लेंगे। सो शाइन इज रेडी। शाइन को जाना था पार्क, बट हुआ क्या कि शाइन को पार्क जा ही रहा था, बाहर ही निकल गया था, तब तक इसको पॉटी आ गई, तो पॉटी करने के लिए अंदर आया और देखा थोड़ी देर बाद धूप आ गई, तो अब शाइन पार्क नहीं जाएगा, अब शाइन जाएगा इवनिंग में पार्क मम्मा के साथ, है ना शाइन। लेट्स गो नाउ, अब चलते हैं, शाइन को खिला देते हैं। कौन? वेट शाइन, बेटा डोंट टच एनीथिंग। बच्चों को ना बहुत डर लगता है कि बच्चे कहीं टच ना कर लें कोई भी गर्म चीज़। और कल मेरे यहाँ जो लोग आए थे ना उनकी सासू माँ, वो उनकी बेटी भी चाय से जल गई। बहुत बच्चे चाय से जल जाते हैं, पता नहीं माँ बाप क्यों नहीं ध्यान रखते हैं इतना, रखते हैं बट क्या होता है कि थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है, बट चाय से बहुत बच्चे जलते हैं। मैं आप सबसे कहूँगी कि चाय तो पियो ही मत, तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर पी रहे हो तो बच्चा घर में ना हो, आसपास ना हो, तब चाय पियो एक कोने में जाके, क्योंकि चाय से बच्चे ना बहुत जलते हैं। 80% बच्चे चाय से जलते हैं, पता आपको, अगर आप सर्च करोगे ना तो कहीं ना कहीं बच्चा जल ही जाएगा चाय से। मेरे घर में तो चाय बनती ही नहीं है, और कोई आता है तो बनती है, तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ चाय के कि कहीं शायद आसपास भी ना भटके चाय के, क्योंकि बच्चों ना बच्चों को एक वो होता है कि पहले मैं ये निकाल लूँ फिर बताती हूँ। हाँ, बच्चों को ना एक क्यूरियोसिटी होती है कि डेली सब लोग डेली सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के एक कप लेते हैं, ये पीते हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा जो सब लोग डेली पीते हैं, ये बच्चों का रहता है। सो बच्चे अगर कहीं गलती से भी चाय छूट गई ना तो बच्चे हाथ लगा देते हैं, जो बहुत ख़तरनाक होता है। मेरी दीदी है जो दीदी की बेटी, वो भी जल गई थी चाय से। शाइन व्हाट आर यू डूइंग, डोंट टच। वो भी चाय से जल गई थी। तो मैं जो भी कुछ बनाती हूँ ना गैस के सबसे पीछे रख देती हूँ कि शाइन कभी गलती से भी ना आ जाए। वैसे तो मैं आने नहीं देती किचन में, बट कभी गलती से भी शाइन यदि आ गया तो डर रहता है बच्चों का। हाँ, मैंने बना दिया स्वीट कॉर्न में, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस नमक डाला है और हल्का सा स्टीम कर दिया है। ये है हमारे स्वीट कॉर्न जिसमें से धुआं उड़ रहा है, अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, तो जब ठंडा हो जाएगा तभी शाइन खा पाएगा। शाइन थोड़ा सा प्ले कर ले बेटा अभी। हाँ शाइन, वो वेरी हॉट, कहाँ से ईट करोगे आप? इट्स वेरी वेरी हॉट, दिखा रहे पापा कभी निकाल दें। सो
फिर मैं अर्शी का भी निकाल दूंगी, मैं अपने लिए कुछ और बनाऊंगी, क्या बनाती हूँ मुझे नहीं पता, बट राइस रखा था कल का राइस बच गया था सो मैंने फ्रिज में डाल दिया था। असि बहुत गुस्सा करते हैं अगर कोई भी खाना बचा है उसको खाने के लिए, बट मैं बताऊंगी नहीं। मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है, वैसे मुझे राइस बिल्कुल नहीं पसंद, दाल चावल किसी से मैं राइस नहीं खाती, लेकिन मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है तो सोच रही हूँ वो कर लूँगी, लेकिन वो ना देखें कॉल आ जाए उनकी तो अच्छा है, ऑफिस से कॉल आ जाएगी इतनी देर में मैं काम ख़त्म कर लूँगी अपना, नहीं तो बहुत गुस्सा करते हैं। खाने पीने के मामले में ना वो बहुत ज़्यादा ना खुद खाते हैं ना खाने देते हैं, अच्छी बात है बट क्या कहते हैं कभी कभी लगता है ना कि कहाँ फेंको, एक तो यहाँ पे ना कोई गाय वाय तो होती नहीं है, गाड़ी में हमारे क्या है गाय आ जाती हैं तो उनको दे देते हैं हम लोग, बट यहाँ पे तो कोई गाय का कुछ मतलब ही नहीं है ना, तो कहाँ फेंको, क्योंकि मैं फेंक नहीं पाती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब फेंक नहीं सकते तो खा। सो ये है मेरा कॉर्न जो शाइन खाएगा, वेरी हेल्दी एंड टेस्टी ऑल्सो, डोंट टच वन। मैं आजकल ना इसको नीचे बिठा के ही खिलाती हूँ, पता नहीं क्यों आजकल काम में थक जाते हैं तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ, और मुझे नीचे बैठ के खाना खाना है या कुछ भी खाना अच्छा लगता है। बस आशी कभी कभी टेबल पे बैठ के खाते हैं और मैं तो नहीं खाती, मैं तो नीचे ही बैठ के खा लेती। टेबल पे क्या होता है पहले काम करके आओ खड़े खड़े, फिर टेबल पे नीचे पैर रखे रहो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से पालथी मार के बैठो फिर खाना खाओ। ये मुझे कुछ हो गया है, काला काला शाइन क्या हो गया, आई डोंट नो। हाँ शाइन क्या हो गया ये, अरे शाइन लिसन एक रावण की स्टोरी तो सुना दो। हमारी शाइन को स्टोरी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो उसको मैंने रामचंद्र जी और रावण की स्टोरी सुनाई जब से। व्हाट आर यू डूइंग शाइन, जब से मैंने रामचंद्र जी और रावण की स्टोरी सुनाई तो शाइन बहुत खुश होता है और डेली खाना खाते समय कुछ करते समय वही सुनता है और बुक लेके आ गया, स्टोरी बोला है तो बुक लेके आ गया। ये देखो टेल मी सुनाओगे कुछ, बोलो तो सिट। हाँ सिट, हाँ पहले सुनाओ स्टोरी तो सुनाते नहीं हो। एंड एंड ग्रासहॉपर, वाओ, और अ ग्रासहॉपर स्पेंड ऑल हिज टाइम सिंगिंग एंड डांसिंग इन द सन। यस, वन डे ही सॉ अ ग्रुप ऑफ एंड्स। इसको स्टोरी बहुत पसंद है। हाँ शाइन, एंड यस, शाइन को स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। शाइन कभी मेरे से सुनता है, कभी आशी से सुनता है, आशी फ्री रहते हैं तो उसको दिन भर स्टोरी सुनाते रहते हैं, और काम तो ऐसा है कि चलता ही रहता है उनका, जब काम आता है तो नहीं सुनाते, और ये मेरे कुशन जो है ना ऊपर ही रखे रहते हैं, किसी के यहाँ ऐसे नहीं होगा, बट मेरी रीज़न ये है कि शाइन मैं सोफा पे खेलता है तो खेल नहीं पाता है तो ऊपर ही रहते हैं कुशन। सो शाइन ने अपना ये कॉर्न फिनिश कर लिया है, बस दो चार दाने बचे हैं, बट कह रहा है हमारी टमी फुल हो गई है, सो अब मैं जाती हूँ अपना काम कर लूँ। शाइन वेट, अब मैं जाती हूँ अपना काम कर लूँ, और कल वैक्सीनेशन के लिए मुझे जाना है, बट नीचे भी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं हमारे इसमें टावर में, टावर में कह रही हूँ मेरे सोसाइटी में। हाँ सो देखते हैं, आशी गए हैं पूछने की क्या कब, बट हम लोग की डेट जो है ना वो 4 तारीख है, बट वो लोग लगा रहे हैं आज 3 तारीख को, तो आज अगर वो लोग लगा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि यहीं लगवा लेंगे, नहीं तो फिर आशी के ऑफिस में लगा रहे हैं, वहाँ पे जाके लगवाना पड़ेगा। फर्स्ट डोज तो हम लोगों की लग गई थी पहले ही झांसी में थे जब हम लोग, अब सेकेंड डोज लगनी है, सो जाएंगे। और चलो अभी रख लें, अमेजोन से सामान भी आया है वो ग्रॉसरी का, क्योंकि हम ना उस पर करते हैं, मतलब हर महीने की 1-2 तारीख को ही करते हैं, ये फिक्स है मेरा, उस टाइम पे ऑफ़र भी मिलते हैं। बेटा क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, उस टाइम पे बहुत सारे ऑफ़र्स भी मिलते हैं, तो जो सारी ग्रॉसरी है ना महीने भर की वो हम लोग 1-2 तारीख को ही करते हैं। सो आज बुआई है तो अभी मैं रख लूँ, और नहाने जा नहीं पाएंगे क्योंकि आशी नीचे गए हैं पूछने, और शाइन को अकेले छोड़ के मैं जा नहीं सकती, खेल रहा है बट मैं नहीं छोड़ती अकेली, पता नहीं इधर उधर कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। उसका माइक आजकल ये माइक में ही लगा है अपना, सो मेरी ग्रॉसरी आ गई है, मैं बताती हूँ क्या क्या है।
ये है मेरी ग्रोसरी जो अभी आई है। हर उसको काजू बादाम जरूर आते हैं, बादाम पहले आ गए थे बट वो ज़्यादा मंगाने थे तो एक साथ ज़्यादा मंगा लिए। वेट शायद वेट, ये वर्मिसली मैंने मंगाई है क्योंकि मेरी गुस्सेमई थी जो हम घर से लेके आए थे। शाइन वेट, आवाज़ नहीं आ रही है। जो हम घर से लेके आए थे वो ख़त्म हो गई थी। और ये पोहा है और ये धनिया पाउडर है, मैंने बहुत सारा मंगा लिया क्योंकि ख़त्म हो रहा था बार बार। ये अरहर दाल है, मखाना है और ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि रखा था। ये छोले हैं, ये क्या है, ये जीरा पाउडर है जो हम उसमें डालते हैं जब बटर मिल्क बनाते हैं। ये तो बिल है, इससे मैच करना है मुझे। ये चना है, काला चना। और ये क्या, ये राई है। और ये मैंने मंगाया है, मुझे चॉकलेट बनानी है। सो ये इसकी मुझे चॉकलेट बनानी है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे बनाती हूँ वो बाद में। और ये क्या है, ये जीरा है। और ये क्या है, ये राइस मंगाया मैंने फॉर्च्यून का, देखेंगे इस बार। ये घी है, जब भी हम कुछ फ्राई करते हैं तो घी में करते हैं तो ये वो वाला घी है। वैसे नॉर्मल घी हमारा दब मलाई का मैं बना लेती। और ये हमारा ग्राउंड नट ऑयल है जो हम लोग यूज़ करते हैं। आजकल मैंने थोड़ा सा सरसों का तो ऑयल भी मंगाया है यूज़ करने के लिए, देखते हैं। मुझे अच्छा लगा आजकल सरसों, जैसे करेला वरेला बनाओ ना तो सरसों का बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं ये रख दूँ और मैं बना लेती हूँ अपना जब तक चावल, फ्राई कर लेते हैं फिर नहा के आएंगे तो खा लेंगे जल्दी से। सो मेरे राइस फ्राई हो गए हैं, ये देखो कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं जा रही हूँ खाने, बहुत टाइम हो गया है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मूँगफली, मुझे मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने बनाया है बटर मिल्क। शाइन इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे काजू कतली खानी थी और आशी दे नहीं रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सुबह सुबह काजू कतली क्यों खा रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ वैसे बहुत सारा वो जंक फूड तो ईट करता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी उसका मन होता है सिर्फ काजू कतली या और कोई मिठाई नहीं खाता, सिर्फ काजू कतली या एक आध मिठाई और भी है जो वो खाता है, जिसमें कम मीठा होता है वो खाता है। सो मैंने कहा मैं दे देती हूँ, मैं उसको काजू कतली खिला रही हूँ। वैसे मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, बट आशी कह रहे थे कि पहले तुम खा लेती। मैंने कहा चलो छोड़ो, वो वैसे रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। सो मैंने सोचा उसको पहले दे दें उसके बाद मैं खा लूँगी। अब मैं जाती हूँ अपना राइस खा लूँ, बहुत टाइम हो गया है, 1 बज गया अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और कल मेरा व्रत भी था। सो मैं पहले राइस खा लूँ फिर कुछ करूँगी, बहुत काम है, सामान भी रखना है, कुछ बनाना भी है, काम तो लगा ही रहेगा। अब मैं अपना काम कर लूँ बस। सो मैं अपना चावल लेके आ गई हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, 1:15 बज गया है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, कल व्रत भी था। बट कोई नहीं, कभी कभी लेट हो जाते हैं। और शाइन यहाँ पे कह रहा है डांस करो डांस करो, उसका समझ में नहीं आता, कभी भी कुछ भी बोल देता है। सो मैं लगी हूँ। और ये टॉप मेरा ना बहुत पुराना है और ये अलमारी में कहीं घुस गया था इसलिए नहीं मिल रहा था। और ये है मेरा राइस जो मैं खा रही हूँ। और ये है शाइन का अनार, अभी शाम का 4:30 बज गया है और इस टाइम पर मैं खिला रही हूँ इसको पॉमीग्रेनेट क्योंकि इसने मॉर्निंग में अनार नहीं खाया था और इसको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शाइन करता क्या है। इसको किसी रीजन से पापा को दिखाना था, अनार बहुत रेड है क्योंकि वो लेके आए थे। सो ये कैसे बुला रहा है, ब्लूटूथ मोड। पापा यस 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 पापा शाइन अपने माइक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसे बहुत पसंद आया है और बहुत ज़्यादा खेल रहा है उससे, आज पूरे दिन से इसी में लगा हुआ है। सो अभी बज रहा है 7:15 और हम लोग आ गए हैं घर। हम लोग गए थे पार्क, डेली हम लोग पार्क जाते हैं शाइन और मैं इसके पापा, तीनों हम लोग पार्क जाते हैं, बहुत खेलते हैं, 1.5 घंटे तक बहुत खेलते हैं। इसके बाद शाइन आता है तो ये बनाना शेक पी रहा है, इसको बनाना शेक, कोई भी एक शेक चाहिए होता है, मैंगो शेक या बनाना शेक, तो मैं बना के इसको दे देती हूँ। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
वेट शाइन वेट इट्स फिनिश्ड बेटा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय टेक केयर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ से बाय शाइन से बाय बाय बाय